अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की वीडियो आप लोगों के लिए हाईली इंपॉर्टेंट होने जा रही है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं सर फार्मा को एक मरतबा पर डिस्कस करने जा रहा हूँ। सर पे मैंने इससे पहले वीडियो बनाई थी, तब इसने बोर्ड मीटिंग अपनी अनाउंस की थी, लेकिन बोर्ड मीटिंग में इसने शेयर होल्डर्स को ना डिविडेंड दिया है ना ही बोनस दिया है। तो वजह मैं आपको बताऊँगा उसकी, और आने वाले दिनों में कंपनी का क्या बिज़नेस प्लान है और कंपनी क्या करने जा रही है, अपने शेयर होल्डर्स को आगे क्या दे सकती है, और बहुत सारे रीज़न होते हैं देखें कंपनी के पास। लेकिन कंपनी का जो बिज़नेस होता है ना, वो ग्रो होना चाहिए। अगर बिज़नेस आगे ग्रो होगा तो डेफिनेटली जो है वो शेयर होल्डर्स को फ़ायदा होता है। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कि प्रॉफिट में से 80, 90 या 100% का जो हिस्सा है वो अपने शेयर होल्डर्स को दे देती हैं डिविडेंड की सूरत में। लेकिन बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जो कि उनको प्रॉफिट तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो चाहती हैं कि उनके जो बिज़नेस है वो उसी में वो अपने जो रकम होती है उसको इन्वेस्ट करें प्रॉफिट को, और उस प्रॉफिट से अपने बिज़नेस को और एक्सपेंड करें। तो फ्यूचर में जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको कैपिटल गेन और शेयर का जो प्राइस है वो बढ़ने से काफ़ी फ़ायदा होता है। तो दोनों सूटों में शेयर होल्डर्स को फ़ायदा होता है। तो सर फार्मा के हवाले से मैं आज इसके फंडामेंटल्स का जायज़ा लूँगा और कंपनी की क्या पोजीशन हो सकती है आगे, कंपनी किस तरह से अपने शेयर होल्डर्स को फ़ायदा दे सकती है, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आप लोगों से। व्यूअर्स, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रही है आप लोगों के लिए, और मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे। सर फार्मा पाकिस्तान की टॉप रैंक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में शुमार होती है। फार्मास्यूटिकल रैंकिंग की अगर बात की जाए तो तीसरा नंबर आता है नेशनल फार्मा कंपनीज में। पाकिस्तान में इस वक्त नेशनल और मल्टीनेशनल कमोबेश 1000 ऑफ कंपनीज काम कर रही हैं फार्मास्यूटिकल की, जिसमें सर का नेशनल रैंक में तीसरा नंबर आता है। इसके अलावा अगर बात करें कि सर फार्मा पाकिस्तान की वाहिद मल्टीनेशनल फार्मा कंपनी है जिनका मकसद अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को पूरी दुनिया में एक्सपेंड करना है। अभी हाल ही में इन्होंने ओमान में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अप्रूव किया करवाया है, और कंपनी की एक ये अच्छी कोशिश है कि पूरी दुनिया में अपने बिज़नेस को, अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाना, जिससे कंपनी का मुस्तकबिल में बिज़नेस जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकता है और रेवेन्यू भी बहुत ज़्यादा जनरेट होगा इससे, और फौरन ज़रा मुबादला जो है वो पाकिस्तान में इससे आ सकता है। तो फार्मास्यूटिकल एक एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के तौर पर जानी जाती है, जिसमें मैं समझता हूँ कि अगर गवर्नमेंट इनका साथ दे तो पाकिस्तान की लार्जेस्ट एक्सपोर्ट में इनका शुमार हो सकता है फार्मास्यूटिकल का। सल के हवाले से बात करते हैं इसके फंडामेंटल्स की। करंट प्राइस इस वक्त ये 36 पर आ गया है, और इस वक्त जो इसकी प्राइस है वो अपने 52 वीक लो पर है। मैं समझता हूँ कि इंट्रेंसिक वैल्यू से अभी ये शेयर बहुत कम कीमत में मिल रहा है। हाल ही में इन्होंने राइट शेयर इशू किए थे, उसके हवाले से इन्होंने एक एमरजेंसी बोर्ड मीटिंग भी अनाउंस की थी, जिसमें इन्होंने बताया था कि 78% शेयर जो हैं वो सब्सक्राइब किए गए हैं, बाकी 22% शेयर ख़ुद कंपनी ने सब्सक्राइब किए हैं, जिसमें इनकी जो IBL पेरेंट कंपनी है IBL, उसने ये शेयर सब्सक्राइब किए हैं। तो कंपनी के पास अच्छा खासा रेवेन्यू राइट शेयर की सूरत में जमा हो चुका है, और मैंने आपको पहले बताया था कि आप जो है वो ओरिजिनल शेयर में, जैसे सर का जो ओरिजिनल शेयर है इसको बाय करें। राइट शेयर में कभी भी जो है वो आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। राइट शेयर में एंट्री लेने से सिर्फ और सिर्फ कंपनी को फ़ायदा होता है, और कंपनी अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए राइट शेयर इशू करती है, या तो उसको अपना बिज़नेस में पैसा चाहिए होता है, और या फिर अपना कोई न्यू प्रोडक्ट IPO लॉन्च करने वाली होती है कंपनी। तो सर फार्मा एक अच्छी कंपनी है, मैं समझता हूँ कि इस वक्त गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए। 36 से ये शेयर बहुत आगे जा सकता है। अगर फेयर वैल्यू की बात करें तो 100 से ऊपर ये शेयर जा सकता है, और मैं बात कर रहा हूँ ये फ्यूचर में इसकी जो अर्निंग है, बिज़नेस अगर इसका ग्रो कर जाता है, जो कंपनी का मकसद है कि पूरी दुनिया में अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करना, अगर ये उसमें कामयाब हो जाते हैं तो कंपनी का जो अर्निंग है और सेल्स है वो बढ़ सकती है, और फ्यूचर में जो इनकी जो प्राइस है वो 2 से 3 गुना भी हो सकती है।
लेकिन बहरहाल इसके लिए जो कंपनी का शेयर है आपको होल्ड करना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म में फ़िलहाल आपको इतना फ़ायदा इसमें नहीं मिल सकता। मार्केट कैपिटल 14.61 बिलियन की है। ईपीएस चारों क्वार्टर का है 2023 में 0.80 है। अर्निंग में मैसिव डिक्लाइन आया है कंपनी की। लास्ट क्वार्टर की जो अर्निंग आई है रिजल्ट उसमें नेगेटिव 1.34 है। यानी कि अर्निंग जो थी वो तीसरे क्वार्टर की इसलिए कम हो गई है क्योंकि लास्ट क्वार्टर में अर्निंग नेगेटिव आई है जिसकी वजह से एक मैसिव डिक्लाइन आया कंपनी की अर्निंग में। बुक वैल्यू 81 है। ईयरली डिविडेंड ये हर साल बोनस शेयर देता है लेकिन इस साल इसने कोई बोनस शेयर और डिविडेंड अनाउंस नहीं किया है। उसकी वजह यह है कि इसने ऑलरेडी कुछ मंथ पहले राइट शेयर इशू कर दिए थे जिसकी वजह से शेयर पे काफ़ी प्रेशर आ गया था। हिस्ट्री का 761 है। मैं समझता हूँ कि कंपनी की जो इस वक्त इश्यूज है वो है इनकी जो सेल्स है वो कम हुई है। फ्यूचर में ये इशू रिजॉल्व हो सकता है और मैं समझता हूँ कि वो लोग जो रिस्क लेना चाहते हैं तो वो लोग इसमें अभी एंट्री ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अभी जो है वो थोड़ा सा वेट करें। फर्स्ट क्वार्टर की अर्निंग आने तक, अगर फर्स्ट क्वार्टर की अर्निंग इसकी अच्छी आती है तो फिर इसमें एक अच्छी मूव आ जाएगी या कोई न्यूज़ ऐसी होगी जिसमें शेयर में मूवमेंट आ सकती है, लेकिन शॉर्ट टर्म में इसमें कोई फ़ायदा इस वक्त नज़र नहीं आ रहा है। हाँ, जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो इसमें एंट्री ले सकते हैं। तो व्यूअर्स, मैंने सल फार्मा को आज डिटेल में आपके साथ डिस्कस किया है। आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए एक वैल्यू एडिशन साबित हुई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट अपनी राय ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।